हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल एक रिपेस 9795 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे सामने मोबाइल है, मोबाइल मदरबोर्ड जो हम दिखा रहे हैं बोर्नियो, वो है हमारा वीवो Y91 ऑन ऑफ। ठीक है दोस्तों, इसमें आप और वैलूम, इसमें आप को बोर्नियो दे रहा हूँ जिससे कि आप मोबाइल को आसानी से रिपेयर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक एक लाइन आप लोगों को देख लेनी है, समझ लेनी है कि कौन सी लाइन कैसे वर्क करती है, वैलूम अप डाउन और पावर ऑन ऑफ की। ठीक है दोस्तों, अगर ये पावर ऑन ऑफ वर्क नहीं करती है तो आप बोर्नियो के थ्रू आसानी से मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले कनेक्टर की ओर, जहाँ पे हमारा ऑन ऑफ पत्ता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑन ऑफ पत्ता है। यहाँ पे तीन लाइनें निकलती हैं, यानी यहाँ से तीन लाइनें होती हैं, स्विचिंग करती हैं आपस में। और ये जो हमारा खाली पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा ग्राउंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पावर की के बारे में बात करते हैं। पहले पावर की, पावर की यहाँ से निकलती है, यहाँ पे इसका टीपी पॉइंट होता है। यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद ये डायोड लगा हुआ, उसके बाद ये लाइन इस कैपेसिटर से होते हुए हमारी, देखते हैं कहाँ को जा रही है, ये यहाँ पे आती है इस पॉइंट पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ, उसके बाद में इस पॉइंट से निकलने के बाद इस आईसी के अंदर चली जाती है जो कि हमारी PMIC है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो 3.7 से 4.2 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से आप दूसरा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लगा होगा ये किलो ओम में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप जम्पर मारेंगे तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ से एक लाइन और निकलती है जो इसमें नहीं दिखा रहे हैं, वो इस मैटिंग में आप देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं वॉल्यूम डाउन। ये लाइनें भी हमारी PMIC से, ये लाइन भी हमारी PMIC से कनेक्ट है। ये वॉल्यूम डाउन की बटन है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन हमारी येलो कलर की जो दिख रही है वो हमारी इस कंपोनेंट से आती है। उसके बाद में ये लाइन यहाँ से निकलने के बाद ये इस पॉइंट पे चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं या यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है पावर की में, तो आप यहाँ से एक जम्पर यहाँ पे मार सकते हैं, आपकी वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अब बात करते हैं डाउन की। तो ये डाउन की अगर वर्क नहीं कर रही है तो इस कंपोनेंट से आप जम्पर मार सकते हैं, ये वर्क कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इस पॉइंट वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम अप की पॉइंट यहाँ पर निकलती है। तो दोस्तों इस कंपोनेंट पर आती है, यहाँ पर कंपोनेंट आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से लगे हैं, कैसे लगे हैं। उसके बाद में ये लाइन हमारी ऊपर की ओर जाती है, उसके बाद में ये लाइन हमारी सीधा CPU में जाती है। तो ये लाइनें आपने देखी कि कैसे वर्क करती हैं और कहाँ पे जाती हैं। तो एक बार मैं आपको पूरा डायग्राम एक साथ में दिखा रहा हूँ। ये हमारी लाइनें हैं पावर ऑन, वॉल्यूम अप और डाउन। ठीक है दोस्तों, इनको आप देख लीजिए, सीधे एक बार में ना समझ में आए तो बार बार इसकी करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।